माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। व्यापम ग्रुप 4 29 जुलाई पहली शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के साथ दोस्तों मैं आ गया हूं। इस लेक्चर में दोस्तों मैं केवल आपको गणित सॉल्व कराऊंगा, केवल और केवल गणित। गणित के 14 प्रश्न मेरे पास हैं इस शिफ्ट के, उन 14 प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। आज का जो गणित का लेवल था पिछली दो शिफ्टों के गणित के लेवल से थोड़ा अच्छा था, तो आप इस लेक्चर को पूरा देखें, अच्छे से देखें। सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के पूरे 17 प्रश्न हमारे पास हैं और जिनको 12:30 बजे ही किशोरी मैम ने अनअकैडमी पे डाल दिया था। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी गई है, वहां से आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे जाकर नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर में मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगा कि कौन कौन से 17 क्वेश्चन थे, मैं वहां पे समझाऊंगा नहीं आपको। कंप्यूटर रीजनिंग और इंग्लिश के भी पूरे क्वेश्चन तो नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं उनसे एक लेक्चर तैयार कर दिया गया है जो कि अनअकैडमी पर डला हुआ है किशोरी मैम की प्रोफाइल पे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शुभम उपाध्याय जी का। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब से हमारे कोर्सेस स्टार्ट हुए, जब से हम लेक्चर डालना चालू किए इस एग्जाम के लिए, इन्होंने हमारा बहुत उत्साहवर्धन किया। सुरभि जी भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रमोद राय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, राज शर्मा जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ दो लोग और हैं जिन्होंने हमें गणित के काफी क्वेश्चन भेजे, लेकिन वो अपना नाम हमको नहीं भेज पाए और अभी तक हमको उनका नाम नहीं पता, तो उनको हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पर, और पहले प्रश्न पर जाने के पहले मैं बता दूं कि मैंने जो व्यापम एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी, गणित के 100 महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज अनअकैडमी पे, आज की परीक्षा में एक भी प्रश्न उस पैटर्न से अलग नहीं आया है, यहां तक कि कुछ प्रश्न तो उसी डाटा के साथ आए हैं। तो दोस्तों वो बहुत ही अच्छी सीरीज है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। 3.5 या 4 घंटे में आप उस सीरीज को खत्म कर सकते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:8:9 है, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जोड़ 56 वर्ष था, तो बीच वाले व्यक्ति की आयु बतानी है हमको। हो सकता है ये डाटा ना हो, थोड़ा चेंज हो डाटा में, लेकिन हम इसको कंसेप्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो आयु का अनुपात दिया है कब का दिया है, वर्तमान का दिया है, वर्तमान में आयु का अनुपात दिया है 7:8:9, लेकिन वर्तमान की आयु का जोड़ नहीं दिया है, जो जोड़ दिया है वो 8 साल पहले की आयु का दिया है। तो 8 साल पहले इन तीनों की आयु का जोड़ कितना था, 56 वर्ष। एक बात बताओ, 8 साल पहले सबकी आयु 8-8 साल कम थी, तो वर्तमान में सभी की आयु 8-8 साल बढ़ गई होगी कि होगी, तो वर्तमान का जोड़ अगर हमको मिल जाए तो यहाँ से यूनिट वैल्यू से हम कंपेयर कर दें, ये ए बी सी इनकी आयु का अनुपात है, मान लो बी का हमको निकालना आयु कितनी, कंपेयर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसकी आयु भी 8 साल बढ़ी, इसकी आयु भी 8 साल बढ़ी और सी की आयु भी 8 साल बढ़ी, तो टोटल जोड़ कितना बढ़ गया, 8 + 8 + 8 24 बढ़ गया, तो 24 जोड़ देंगे हम, 24 वर्ष जोड़ो इसमें, 6 × 4 = 10 हासिल लगी, 1 × 5 = 6 = 7 = 8 80 वर्ष। तो वर्तमान में इन सभी की आयु का जोड़ कितना हो गया, 80 वर्ष। यहाँ पर यूनिट के हिसाब से जोड़ कितना है, 7 यूनिट, 8 यूनिट और 9 यूनिट, कितना हो रहा है, इन सभी को जोड़ो तो 24 यूनिट हो रहा है, 24 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 80 साल हो जाएगा, 80 साल। आपको कितना यूनिट निकालना है, आपको बी की आयु चाहिए, बी की यानी 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 24 यूनिट बराबर इतना है, तो 3 का भाग दे दोगे दोनों तरफ तो 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/3 साल। अगर इस तरीके से आंसर नहीं दिया है, पूरा भाग दे दिया गया है, तो 80 में से 3 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और फिर 2, फिर कितने बार, 6 बार जाएगा, फिर ये 2 बचेगा, इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 26 सही 2 बटे और जो जिससे भाग दे रहे हैं उसको बटे में, 2/3 वर्ष, कितना साल हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है यही डाटा हो सवाल में, शायद कुछ और भी डाटा हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं जो भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ बिल्कुल भोले बच्चों के लिए करा रहा हूँ, जो थोड़े से एडवांस हैं गणित में उनके लिए ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत सरल आ रहे हैं उनके लिए, केवल भोले बच्चों को ही गणित समझने की ज़रूरत है। ठीक है, 2 5s को एक साथ उछाला गया तो दोनों का योग 9 आने की प्रायिकता बतानी है, दोनों का योग कितना आ जाए, 9 आ जाए, 2 5s उछाले गए। ये तो मैंने दोस्तों जो सीरीज थी ना 100 क्वेश्चंस की उसमें इतना अच्छे से समझाया था, ये तो हर बच्चे को रट जाए। ठीक है, तो पहले 5s पे कुल कितनी आ सकती हैं, पहले 5s पे दोस्तों 6 फलकें होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार से
परिणाम आ सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पासे पर भी कितने प्रकार से परिणाम आ सकते हैं? 6 प्रकार से। दोनों को एक साथ उछाला गया तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। जो प्रायिकता होती है किसी भी काम की, वो क्या होती है? अभीष्ट परिणाम, यानी जो परिणाम हमको चाहिए। अभीष्ट परिणाम यानी जो परिणाम हमको चाहिए बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम आ गए कितने? 36 हैं। हमको क्या चाहिए कि दोनों पर जो अंकों का जोड़ है वह 9 आ जाए। तो 9 आ जाए कैसे हम सोचेंगे? पहले पे 1 आए तो दूसरे पे मैक्सिमम 6 आ सकता है, 9 नहीं हुआ। पहले पे 1 आए दूसरे पे मैक्सिमम 6 आ सकता है, 8 हुआ, नहीं हुआ। पहले पे 3 है दूसरे पे 6 आ जाए, हाँ चलो एक कंडीशन बन गई। इसकी उल्टी कंडीशन भी सही होगी, पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 3। ऐसे ही फिर पहले पे 4 दूसरे पे 5, ऐसे ही 5 और 4, उसके बाद वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। यानी कुल ये अभीष्ट परिणाम कितने हो गए? 4 परिणाम हो गए, 1 2 3 4, 4 परिणाम हो गए अभीष्ट हमारे। तो हम कितना लिख देंगे? अभीष्ट परिणाम 4। कुल परिणाम कितना लिख देंगे? 36। तो हमारी प्रायिकता आ गई 1/9। ठीक है, अगर जोड़ 10 हो, जोड़ 11 हो, जोड़ 12 हो, है कि नहीं, जोड़ 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, इन सभी के लिए हम बता चुके हैं। आपको इतना कुछ हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बड़ा आसानी से इसको हल कर सकते हैं अगर आप वो सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है? ये वर्ग समीकरण को लेकर प्रश्न है, द्विघात समीकरण का। मूलों का जोड़ है -10 और गुणनफल है -56, तब गुणनखंड ज्ञात करें। तो दोस्तों ये भी बहुत सरल सवाल है। अगर कहीं पर भी मूल यानी कि वो मान जिस पर द्विघात समीकरण जीरो हो जाए, तो हम मान लेते हैं एक अल्फा है वह मान, एक बीटा है, तो अल्फा धन बीटा बराबर कितना दिया है? -10 दिया है। और अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना दिया है? -56 दिया है। दोस्तों ये किस तरीके का एक सूत्र होता है जिससे हम तुरंत द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का जोड़ गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर जीरो। ये सूत्र होता है अगर आपको मूलों का जोड़ और गुणा दिया है तो वर्ग समीकरण ऐसे निकालते हैं। पहले हम वर्ग समीकरण निकालेंगे तभी तो गुणनखंड निकाल पाएंगे। कल के पेपर में क्या पूछा गया था? वर्ग समीकरण डायरेक्ट दे दिया था और गुणनफल निकालना था। अब थोड़ा एडवांस पूछ लिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -10। तो -10 इंटू एक्स प्लस ये कितना है? -56 बराबर जीरो। तो अब इसको और आगे हल करो, एक्स स्क्वायर -10x -56 बराबर जीरो। अब इसके गुणनखंड निकालने हैं उसी विधि से। हमको ऐसा ऐसा अल्फा बीटा ऐसा सोचना है कि जोड़ -10 हो जाए और गुणा -56 हो जाए। तो सोचो ऐसा क्या हो सकता है। इसके लिए आपको क्या है? 56 के गुणांक आपको निकालने चाहिए। ठीक है, किसके गुणांक निकालने चाहिए आपको? 56 के। 56 के गुणांक क्या हो सकते हैं? 1 है तो 56 बार जाएगा भाग, 2 है तो वो कितनी बार? 28 बार जाएगा। 3 में भाग जा रहा है क्या? 5 है, नहीं जा रहा। 4 में जा रहा है क्या? 56 से भाग 4 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 13 बार जा रहा है कि 14 बार जा रहा है 4 से भाग। तो 14 और 4 यही आपको ऐसा आंकड़ा मिल गया कि जोड़ -10 हो जाए अगर 14 को माइनस का कर देंगे और गुणा -56 हो जाए। तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -14x प्लस 4x -56 बराबर जीरो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कॉमन लेना है, x कॉमन लिया हमने तो x माइनस 14। पहले दो दो पदों में कॉमन लेना होता है, दो दो पद में प्लस ये क्या है, आप फिर से x कॉमन ले लो, नहीं फिर से 4 कॉमन ले लो। अब ऐसी एक संख्या आ जाए ताकि बाद में इसको भी 4 कॉमन लिया तो x माइनस 14 फिर आ गया। अब आप x माइनस 14 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो? x माइनस 14। तो कितना आ जाएगा? आप देखो यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, जो ऊपर वाले में लिख दे रहे हैं, एक्स माइनस 14 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? यहाँ बचा एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 बराबर जीरो। तो एक ये गुणनखंड हो गया, एक ये गुणनखंड हो गया, दो गुणनखंड हो गए। दोस्तों अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, तो कोई भी जो स्टूडेंट हो आपके आसपास रहता हो, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का गणित का छात्र, उससे आप अच्छे से समझ लो एक बार। एक नंबर का प्रश्न डेली पूछा ही जा रहा है। ठीक है, वैसे मैं उस सीरीज में भी इनको अच्छे से करा चुका हूँ। चौथा प्रश्न क्या है? 60 किलोग्राम का कुछ भाग 5% की हानि पर बेचा गया, शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा गया, इस वजह से उसे कुल 3% की हानि हुई, तो बताएं कितना भाग हानि पर बेचा गया। 60 किलोग्राम का कुछ भाग है जो 5% हानि पर बेचा गया। टोटल सामग्री मान लो 60 किलो थी, कोई सामग्री थी 60 किलो, उसका एक भाग तो कितना 5% की हानि पर बेचा गया है, यानी -5% लाभ कह सकते हैं।
ठीक है, और एक भाग आपका कितने की हानि पर बेचा गया है, जीरो क्रय मूल्य पर ही बेचा गया, यानी कितनी हानि या लाभ है, 0%। ओवरऑल जो हानि है वो कितनी हो रही है, -3% ओवरऑल, ठीक है। आपको बताना है कि कितने भाग हानि पर बेचा गया है, इसका 60 किलो का कितना भाग। तो ये मिश्रण का सवाल हो गया, कैसे 60 किलो का कुछ हिस्सा इस परसेंट के हानि पर बेचा गया, कुछ हिस्सा 0% की हानि पर बेचा गया, ओवरऑल इतने पर बेचा गया, यानी इन दोनों को मिलाओ तो इतना आ रहा है। तो ये मिश्रण का सवाल हो गया, तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसमें से इसको घटाओ, कौन छोटा है, ये छोटा है, -3 में से 0 घटना जाए, वो 0 में से ये घटाएगा कितना, 3 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो कितना आ गया आपका, 3:2 आ गया, ठीक है, कितना आ गया आपका, 3:2 आ गया। यानी कि जो -5% की हानि पर जितना सामान बिक रहा होगा वो 3 यूनिट है, और जो 0% यानी क्रय मूल्य पर बेचा गया होगा वो 2 यूनिट है। हमको क्या निकालना है कि कितना भाग हानि पर बेचा गया, तो 3 यूनिट भाग हानि पर बेचा गया, टोटल भाग कितना है आपका, 5 यूनिट, टोटल भाग कितना है, 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर कितना है, 60 kg, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 kg, भाग दिया है खाली, ठीक है। तो हानि पर कितना भाग बेचा जा रहा है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 48 kg, ठीक है। 2 यूनिट अगर कोई पूछ ले कि क्रय मूल्य पर कितना भाग बेचा गया है, तो 2 यूनिट यानी कितना, 24 kg, दोनों को जोड़ो तो 60 kg हो जाएंगे, नहीं है कि नहीं। इस तरीके से ये मिश्रण का सवाल था, बस यहाँ पर बच्चों को समझना था कि ये किस प्रकार से मिश्रण का सवाल है। अब आ जाते हैं पांचवे प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुल पार करने में 5 मिनट लगते हैं, तो पुल की लंबाई याद करो। अगर ऐसा ही प्रश्न है तो दोस्तों, जो भी चीज़ पुल की लंबाई पार कर रही है, मान लो बस पार कर रहा है, या मोटर बाइक पार कर रही है, या रेलगाड़ी पार कर रही है, उसकी लंबाई दी नहीं है, तो हम मानेंगे कि पुल की लंबाई उसकी लंबाई से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसकी लंबाई को निगलेबल मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसकी लंबाई को क्या मान लेते हैं, निगलेबल मान लेते हैं। तो 21 किलोमीटर पर घंटे की गति से पुल पार करने में 5 मिनट लगते हैं, तो पुल की लंबाई कितनी है, यानी इस स्पीड से 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, ये बताना है। सिंपल देखो, 21 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है एक घंटे में कितना चला, 21 किलोमीटर चला। अब देखो, बिल्कुल हम बिल्कुल बेसिक समझते सवाल को हम हल कर सकते हैं, कोई हमको बहुत एडवांस जरूरी नहीं है। एक घंटा यानी कितना, 60 मिनट में कितना चला, 21 किलोमीटर चला, चूंकि इसलिए 1 मिनट में कितना चला बताओ, 21/60 किलोमीटर चला, तो 5 मिनट में कितना चलेगा बताओ, 5×21/60 किलोमीटर चलेगा, काट दो, यानी 21,000 हमने मीटर में चेंज कर दिया, बटे 12 मीटर, इतना मीटर पुल की लंबाई होगी। अब एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा, इसलिए शायद ऐसा आ रहा होगा, या फिर क्या पता यही डाटा दिया गया हो, तो भाग दे के आप निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न भी आया था आपका, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप सेकंड ही करो, फिर वही करो पैटर्न, आपको तो समझ में आ गया कि 5 मिनट लगते हैं पुल को पार करने में, तो 5 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा इस स्पीड से, तो इतनी दूरी तय करेगा 60 मिनट में, 21 किलोमीटर, तो 1 मिनट में इतनी, 5 मिनट में कितनी। अगला है, एक थैले में 1 से 15 तक की संख्याओं के कार्ड डाले गए हैं, यदि उनमें से एक कार्ड निकाला गया तो उसके 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है। दोस्तों, ये तो छपा का छपा क्वेश्चन आया, जो मैंने 100 क्वेश्चन कराया ना, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्यापम परीक्षाओं के लिए, उसका छपा का छपा बिल्कुल यही डाटा था, ठीक है। चलो, अच्छी बात है कि नहीं। अब हम देखो करें इसको, एक थैले में 1 से 15 तक की संख्याओं के कार्ड डाले गए हैं, यदि उनमें से एक कार्ड निकाला गया तो उसके 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है। एक थैला है, उसमें कितने कार्ड हैं, टोटल 15 कार्ड हैं, हमको प्रायिकता बतानी। प्रायिकता क्या होती है, कुल परिणाम बटे में आता है, और ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है अभीष्ट परिणाम, अभीष्ट यानी जो हमको चाहिए, अभीष्ट हमारे लिए है जो, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, इन 15 कार्डों में से कोई भी एक आ जाएगा तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बताओ, 15 हो जाएंगे। अभीष्ट परिणाम कौन कौन से हैं, जो 3 के गुणज हों, तो 3 के गुणज 1 से 15 तक कौन कौन होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, ये होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 गुणज होंगे। तो इन 5 में से कोई भी एक आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, यानी हमारे मतलब की चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे लिए अभीष्ट परिणाम हो जाएंगे। तो कितने अभीष्ट परिणाम होगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हमने ऊपर लिख दिया, काट दो तो कितना आ जाएगा, 1/3 प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने 7वें नंबर के सवाल पर, ठीक।
एक संख्या में दो क्रमागत 20% की कमियां करने के बाद 12,800 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बतानी है। दो लगातार क्रमागत कमियां करी हमने, कितने का परसेंट की, 20% की। एक बात मान लो, हमने मान ली कि जो संख्या है वह है एक्स, पहली बार हमने 20% की कमी करी तो कितना रह गया, वो 80% एक्स का, तो 80% यानी 80/100। अब ये पूरी संख्या बची है, इसका 20% फिर कम कर दिया है, दो क्रमागत कमी की है, क्रमागत यानी क्रम से, पहले 20% घटाया फिर 20% कम हो गया, तो संख्या इतनी बची। अब बताओ कितनी बची, 20% फिर कम कर दिया तो फिर से 80%, तो फिर इतने का 80% यानी 80/100, ये कितने के बराबर है, 12,800 के बराबर है। तो इनको हम इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, देखो एक्स गुणा 8 कितने होगा, 64,00,1,2,3,4 और काटो, ठीक है, बराबर में 12,800, ठीक है। बहुत से बच्चे दोस्तों कंप्लेन करते हैं कि अच्छा आप जोड़ घटाना ही चला रहे हो, बहुत सरल सरल कर रहे हो, तो दोस्तों ये क्या है, भोले बच्चों के लिए है। यहाँ पर क्या है, जोड़ घटाने में ही आप लोगों की सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, मैं देखता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें खुद ही करता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। 64 से आप यहाँ पे दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जा रहा है 2 बार, 200, और ये 100 का गुणा हो जाएगा इस 200 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200 × 100, 1, 2, 3, 4, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, मूल संख्या 20,000 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना है दोस्तों। आप रफ वर्क करने में पेपर में कतई कोताही ना बरता करें, पूरा बड़ा बड़ा लिखा करें, आप छोटा छोटा लिखते हो उस चक्कर में आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 40 किलोग्राम व 60 किलोग्राम दोनों में से क्या घटाएं कि अनुपात 3:5 हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, इसके लॉजिक को आप समझने का प्रयास करो, ठीक है। अगर आपने आयु अनुपात के सवाल समझे हैं मुझसे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, बहुत वहाँ पे मैंने यही लॉजिक समझाया था आपको। ऐसे ही मैंने एक और आयु अनुपात का धमाका कंसेप्ट करके और वीडियो डाला है, धमाका कंसेप्ट, जिसको अभी 3,000-4,000 लोगों ने ही देखा है, ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, जबकि ये इतना शानदार कंसेप्ट है कि कुछ पूछो नहीं। अगर आप इसको देख लोगे तो आपको समझ में आएगा, जहाँ पे मैंने कंसेप्ट समझाने की भी कोशिश करी है और बहुत अच्छे से वो लेक्चर मैंने तैयार किया है कि कंसेप्ट भी समझ जाओ आप और सवाल भी जल्दी से जल्दी हल कर लिया करो, ठीक है। तो 8वां प्रश्न ये है, जो 40 केजी और 60 केजी दोनों में से क्या घटाएं कि अनुपात इतना हो जाए। अगर मान के चलो एक है, एक राम है, राम के पास 50 रुपये हैं, श्याम के पास 70 रुपये हैं, मैंने दोनों से 10-10 रुपये ले लिए, अभी अभी इसके पास कितने रुपए ज़्यादा हैं, राम और श्याम, अभी इसके पास कितने रुपए ज़्यादा हैं, 20 रुपये ज़्यादा हैं कि नहीं, 20 रुपये ज़्यादा हैं, अभी श्याम के पास राम से 20 रुपये ज़्यादा हैं, हमने दोनों में से दोनों से 10-10 रुपये ले लिए, तो इसके पास 40 बचे, इसके पास 60, तो अभी भी इसके पास 20 रुपये ज़्यादा हैं कि नहीं। यानी अगर दोनों में आप बराबर चीज़ घटाओगे तो इन दोनों के बीच का अंतर नहीं चेंज होगा, अंतर तो उतना ही रहेगा, पहले भी 20 रुपये था अंतर, अभी भी 20 रुपये अंतर। तो वही कह रहे हैं कि 40 केजी और 60 केजी दोनों में से क्या घटाएं कि अनुपात इतना हो जाए, यानी बाद में जो संख्याएं आएंगी अनुपात में और जो पहले आई थी उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। तो सबसे पहले आप अनुपात निकाल लो, 40 केजी ये अनुपात में है तो ऊपर वाले को भी अनुपात में चेंज कर लो, अनुपात में चेंज कर लेंगे फिर हम हल कर लेंगे। तो ऊपर वाले का अनुपात कितना हो जाएगा, 40 और 60, 40:60, 0 से 0 कटा और ये कट गया तो कितना, 2:3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2:3, और नीचे का अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया, इनमें से कुछ घटा दिया हमने। तो हमको क्या चीज़ पता है, ये दोनों अनुपात अलग अलग हैं, फ्रेमिंग कैसे करेंगे इनकी, फ्रेमिंग के लिए हमको लॉजिक पता है कि पहले जो अंतर था वही अंतर बाद में भी होगा, तो पहले अंतर था 1 यूनिट का, बाद में अंतर होगा 2 यूनिट का, तो दोनों जगह अंतर आप 2-2 यूनिट का कर लो। तो कैसे कर पाएंगे हम, 2 का गुणा अगर ऊपर कर देंगे तो अंतर भी 2 यूनिट हो जाएगा, तो 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 4:6। अब इसको काट दो, इसका तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं, अगर आप अभी भी इसको ध्यान में रखोगे तो गलती हो सकती है। 2:3 लिखो चाहे 4:6 लिखो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, है कि नहीं। तो पहले 4:6 था, अब 3:5 हो गया, ठीक है, आई बात समझ में, यानी कितना हमने घटा दिया, देखो 1 यूनिट घटा दिया, यहां से भी देखो तो 1 यूनिट, दोनों तरफ से बराबर घट रहा है कि नहीं, यानी हमने बिल्कुल सही सवाल किया है, सवाल की जांच भी हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, वैल्यू कैसे बताओगे 1 यूनिट की, देखो हमको पता है पहले मात्रा कितनी थी, 6 यूनिट, और 6 यूनिट बराबर कितना दिया है,
60 kg, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10 kg। तो दोनों में से क्या घटाया जाए, एक यूनिट घटाया जाए यानी 10 kg घटाया जाए। अगर दोनों में से 10-10 kg घटा दोगे तो ये 30 kg हो जाएगा और ये 50 kg हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया, 3:5। ठीक है, ये तो सरल सवाल था, आप ऑप्शन देख के और कर सकते थे, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी जगह ये कंसेप्ट लगता है गणित में, कहीं पूछो नहीं। और ये जो फ्रेमिंग करना है ना, अनुपात को समझना और फ्रेमिंग करना, गणित में अगर आपने ये सीख लिया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के सवाल की ओर। 9वां सवाल है आपका, एक वस्तु को 3000 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, यदि लाभ घटकर 8% हो जाए तो विक्रय मूल्य बताएं। ठीक है, ऐसे मैंने कम से कम 5-6 सवाल करे इसी पैटर्न पर, मुझे पता है बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है। ठीक है, वही 100 महत्वपूर्ण जो सवाल थे उनमें। एक वस्तु को 3000 में बेचा तो 15% का लाभ हुआ। हम मान लेते हैं पहले क्रय मूल्य कितना था आपका, 100% मान लेते हैं। जब लाभ हानि की बात हो रही हो ना तो आप क्रय मूल्य को 100% मान लिया करो, क्योंकि क्रय मूल्य के आधार पर लाभ हानि की बात होती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100%। अब 15% का लाभ होता है, आप एक वस्तु को 3000 रुपये में बेच रहे हैं तब 15% का लाभ होता है, यानी ये जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है, 15% का लाभ, यानी 100% में कितना जुड़ जाएगा 15, यानी कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 115% बराबर 3000 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 15% का लाभ है तो 3000 रुपये हो गए। अब बाद में क्या कहना है, अब लाभ घट के 8% रह गया तो दूसरा विक्रय मूल्य बताना है, अब 8% ही लाभ रह गया है, तो अब लाभ कितना हो गया है 108%। अब आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108%, क्योंकि लाभ 8 ही रह गया है, तब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल है, चूंकि 115% बराबर 3000 रुपये, तो इसलिए 1% बराबर 3000/115 रुपये, इसलिए हमको क्या चाहिए 108% चाहिए, तो 108% बराबर 3000/115×108 रुपये, इसको हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये गुणा तो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, अगर क्रय मूल्य पूछ देते तो 108% ना निकाल के हम 100% निकाल देते, ये आंसर हो जाता हमारा। ठीक है, जो भी पूछा जाता वो हम कर सकते थे। 10वां प्रश्न देखो दोस्तों, ये बिल्कुल पक्षांतर का प्रश्न है, डेली इसी पैटर्न पे प्रश्न आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। x x को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो 6x ये इस तरफ आ गए, माइनस के हो गए, -3x/2 बराबर आपका 7 में से -5/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 12x-3x/2 बराबर 14-5/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आया, ये कितना हो गया 9x बराबर कितना हो गया 9, तो 9 से 9 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 1 आंसर आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बहुत ही सरल सवाल था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों काफ़ी लंबा जा रहा है वीडियो, ठीक है, ध्यान से देखते रहना अगर आप गणित में कमजोर हैं तो। ठीक है, 8 व्यक्तियों के समूह में से 4 व्यक्तियों को चुनने के कुल तरीके बताने हैं। 8 व्यक्ति हैं, उनमें से 4 व्यक्तियों को कुल कितने तरीके से चुना जा सकता है। तो जब भी केवल और केवल चुनने की बात हो, केवल और केवल, तो क्रमचय निकाल, संचय निकालते हैं, संचय यानी कॉम्बिनेशन यानी सी। और अगर चुनने के बाद क्रम से भी लगाने की बात हो तो क्रम से चयन करते हैं, क्रमचय निकालते हैं यानी पी। दोस्तों 2 लेक्चर बनाए, इतने शानदार लेक्चर हैं, पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा, और मेरे चैनल पे फ्रंट में ही डले हैं ऐसे पी एंड सी, बिल्कुल 0 से ऐसे करके लिखा है। ठीक है, बहुत मैंने मेहनत से वो वीडियो बनाया है, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ, 8 में से 4 व्यक्तियों को चुनना है, यानी 8C4 ये आपका हो जाएगा, चुन लिए। तो 8C4 का फॉर्मूला क्या होता है, (8)(8-4)। इसको हल कर लो, कैसे हल होता है, 8×7×, देखो ये कितना हो गया, ऐसे लिख लो (8)(8)(4)(4)। फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होती है, (8) बराबर है 8×7×6×5×4×3×2×1 तक ऐसे। तो ऐसे ही क्या है, ये 4 है, इसको ये तक कट जाएगा एक नीचे से। ठीक है, मतलब हल कर लेंगे, आप लोग कर ही लेंगे मेरे हिसाब से, ये तो सब लोग कर लेंगे, पन्ना भर गया नहीं तो हम कर भी देते हैं। ठीक है, सब लोग कर लेंगे, अगर नहीं बन रहा है तो वो वाला आप ये PNC बिल्कुल 0 से वो वाला लेक्चर देख लेना, 2 लेक्चर हैं, लगभग 40 मिनट में दोनों ख़त्म हो जाएंगे, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
और जब आप वो लेक्चर देखोगे ना तो पिछले दो दिन के जो क्वेश्चन है उठा उठा के सीधे सीधे वही सिंपल पी निकालना सी निकालना, यही मैंने बोला था कि व्यापम का इतना ही लिमिट है शुरुआत में, पहले दूसरे दिन यही पूछेंगे, फिर ऐसे सरल सरल क्वेश्चन पूछेंगे, कभी इन टॉपिकों में वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। और आप लोग इन्हीं टॉपिकों को कठिन मानने लगते हो। अब एक सवाल ये है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस सरल करना है, 7 * 21 और 3 जोड़ दो उसमें, इनका गुणा करके ये जोड़ दो, तो 7 * 21 3 कितना हो गया 24/7 गुणा 5 * 20 और 1 जोड़ दो 21/4 ये कितना हो गया 7/8 गुणा 7 * 14 धन 2 16/7 7 से 7 कट गया, 7 से ये 3 बार कट गया, 8 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से ये 12 कट गया, तो कितना आ गया 12 * 3 और कुछ बचा कुछ बचा नहीं बचा, यानी 36 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न दोस्तों बोर्ड मास से संबंधित है आपका, ठीक है। बोर्ड मास नियम आप सभी को पता होना चाहिए, बोर्ड मास यही होता है क्या, पहले बार हल करते हैं, फिर ऑफ यानी कि का हल करते हैं, फिर भाग हल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं क्या गुणा हल करते हैं, फिर जोड़ हल करते हैं, फिर घटाना हल करते हैं, ठीक है। ये होता है बोर्ड मास का नियम। तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट के भीतर की ये चीज़ को हल करेंगे, ठीक है। दो पद प्लस या माइनस से ही अलग अलग होते हैं, अदरवाइज़ वो एक ही होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये गुणा लगाए ये एक पद है, फिर माइनस लगाए ये पद अलग हो गया, और यहाँ गुणा भाग लगाए ये अलग एक पद है। तो पहले इतने को हल करते हैं, ठीक है। 36 * 9/2 / 27/4 पहले भाग हल किया जाता है, तो भाग को कैसे हल करोगे, भाग की जगह गुणा लगेगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो 36 * 9/2 * 4/27 ठीक है, हल कर लो। कितने देखो काटें, हम दूसरी पेन से काट देते हैं, अच्छा लगेगा। 9 से 3 बार गया, 3 से 12 बार गया, 2 से 2 बार गया, कितना आ गया 24। इस पूरे की जगह क्या आ गया 24। इसको हल कर लो यहीं पे आप, ये कितना हो गया 3/4, ये 4 से गया कितनी बार 30 बार, तो ये कितना हो गया 90। तो कितना 90 - 24 ये आ गया इस कोष्टक की जगह। बार कितना 36 / 12 इतना, तो 36 / 12 ये कितना हो जाएगा 90 - 24 कितना हो जाएगा, 90 में से 24 घटाएंगे, 6 और 1 बचा, 1 हासिल आ गई, 8 * 6 = 66 अब आपको भाग देना है। तो 36 भागित की जगह गुणा 1/12 * 66 ठीक है। तो इसको आप हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे कर दिया 3 और ये 66 * 3 कितना हो जाएगा 60 * 3 = 180 और 18 = 198 आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न पर। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, इन सभी का औसत बताना। अरे यार इन सबको जोड़ दो, बिल्कुल भोले बच्चे हैं, तो ज़्यादा कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी हमको, सबको जोड़ के और जितनी भी संख्या उनका भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन बार बार थोड़ी मिलते हैं, हल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हिंदी और GS के जो जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हालांकि अगर आपको क्या है 12:30 बजे तक एनालिसिस चाहिए एग्ज़ाम का, तो आप अन अकेडमी पर किशोरी भदौरिया ये स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए सर्च करें, ठीक है। ये गलत हो गई भदौरिया, आप केवल किशोरी डाल के सर्च कर दें, ठीक है। और उनका जो एक कोर्स है जो व्यापम ग्रुप 4 एग्ज़ाम एनालिसिस नाम से, उसको आप इनरोल कर लें। इनरोल कर लोगे तो जैसे ही नया वहाँ पे लेक्चर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि YouTube पे लेक्चर डालने में बहुत टाइम लगता है, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ उसके 3-4 घंटे बाद ये डल पाएगा, कहीं आप तक पहुँच पाएगा। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, जैसे ही बनाया तुरंत अपलोड हो जाता है, कम MB खर्च होती है वहाँ पर, तो इसलिए आपको जल्दी मिल जाया करेगा 12:30 बजे तक एनालिसिस। आज भी हमने 12:50 पर बना पाया था, आज हमने 12:50 हो गया था टाइम, लेकिन कल और कम टाइम करेंगे हम, ठीक है। जल्दी जल्दी एनालिसिस डालेंगे, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप अगर ये 100 महत्वपूर्ण सवालों वाला कोर्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे सर्च कर लीजिए AVADHESH अवधेश, नाम स्पेलिंग ध्यान रखना, ये वी है यहाँ पे, वहाँ और भी अवधेश नाम के एजुकेटर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं हिंदी के प्रश्न, ये देखो ये हम GS के प्रश्न दिखा देते हैं, ठीक है।
आराम आराम से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इन सबको देख सकते हो, ठीक है। ये देखो स्वयं योजना का उद्देश्य, ठीक, आपके पास ऑप्शन है वीडियो पॉज करके इनको देखने का, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको ये क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। वैसे आप इनके वीडियो भी डले हैं, इनको बड़ा डिटेल में समझाया भी गया है, तो वहाँ पर जाके आप इनको समझ भी सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। और वहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी हैं और इंग्लिश से संबंधित प्रश्न भी हैं, हिंदी और जीएस के पूरे पूरे 17-17 प्रश्न हैं, ठीक है। और क्या बचा, हिंदी के बच गए हैं, धन्यवाद, जय माता।